लियारी में खौफ की अलामत समझा जाने वाला सरबान अपने अंजाम को पहुंचा। खान भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज की जो जुर्म कहानी है वो एक ऐसे किरदार के हवाले से है जिसका बाप लियारी में बदनाम जमाना गैंगस्टर रहा है, जिसके लिए इंसान को कत्ल करना बच्चों का खेल था, जिसने 13 साल की उम्र में अपनी सगी माँ का कत्ल किया। सरबान कौन था और उसका जालिम बाप कौन था, इस हवाले से इस वीडियो में जानते हैं। मशहूर ज़माना गैंगस्टर गुजरा है जिसका नाम रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत रहा है। रहमान डकैत के हवाले से बताया जाता है कि वो 1980 में पैदा हुआ और उसका जो घराना था वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस था, तो वो अपने घर के बिजनेस में लग गया और उसने 13 साल की उम्र में पहला जुर्म किया और अपनी सगी माँ का कत्ल किया। लोग बताते हैं कि जो उसके मुखालिफ गैंग के लोग थे उसे चढ़ाते थे, उसकी माँ के हवाले से ताने देते थे, जिस पर उसने अपनी सगी माँ का कत्ल किया। वक्त गुजरता गया, रहमान जो है मशहूर हुआ डकैत के नाम से। इसने पूरे लियारी में अपना होल्ड कायम कर लिया, मंशात फरोशी, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान करने लगा। अमन कमेटी का पहला सरबरा यही था और उसको बनाने वाला भी यही था। अमन कमेटी के बारे में बताया जाता है कि ये वो तंजीम थी जिसने महाजिरों का कत्लेआम किया, महाजिर बलोचों को आपस में लड़वाया और लसानियत की बुनियाद के ऊपर कई कत्ल हुए। फिर खुदा का करना ये हुआ कि सन 2009 में पुलिस ऑपरेशन हुआ और चौधरी असलम ने रहमान डकैत और उसके तीन साथियों को मारा। रहमान डकैत के तीन बेटे थे जिसमें दो जो है बहुत अच्छे निकले, लेकिन एक बेटा जिसका नाम था सरबान वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा। सरबान लियारी अफशानी मोहल्ले में ही रिहाइश पजीर था और फिर सन 2002 में उसने अपने गैंग की सरबराई हासिल की। उसके बाद से वो मंशात फरोशी और दीगर जो जराइम है उसमें मुलव्वस रहा है। बताया जाता है कि लियारी में एक मुनज़्ज़म तरीके से ये नेटवर्क मंशात फरोशी का चला रहा है और जितने भी इलाके हैं जहां मंशात फरोख्त की जाती है वहां पर इसकी ही मंशात जो है फरोख्त होती है। ना सिर्फ ये मंशात फरोशी करता है बल्कि लियारी में जो ताजिर हैं उनको भत्ते की कॉल करवाता है, उनको अगवा करता है। एक बार बराए तावान के कई केसेस में ये मतलूब है। पुलिस बताती है कि सरबान ने खौफ फैलाने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया था। ये ताजिरों को अगवा करने के बाद एक कब्रिस्तान ले जाता और खाली कब्र में जो ताजिर है उसको लिटा देता और वहाँ से उसको घर वालों को फ़ोन करवाता और पैसे मंगवाता। जो पैसे नहीं देता उसको मारकर उसी कब्र में दफन कर देता। छोटे बच्चे मासूम बच्चों की गलत फिल्में बनवाकर उनके जो वालदैन हैं उनको भी ब्लैकमेल किया करता था। सरबान का सबसे दिल हिला देने वाला काम 11 साल के बच्चे का कत्ल था। पुलिस के मुताबिक सरबान ने 11 साल बच्चे का ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके साथ ज्यादती भी की और जुर्म छुपाने के लिए उसकी लाश पर तेजाब फेंक दिया। सरबान उधार में भी मंशियात देता था और उसने एक मुस्लिम नामी शख्स को मंशियात दी थी बेचने के लिए, लेकिन मुस्लिम उसको पैसे वापस नहीं कर रहा था। इस बिना पर सरबान और उसके साथियों ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुस्लिम तो जांबाक हो गया, उसके साथ राहगीर भी एक ज़ख्मी हुआ। सरबान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलव्वस था। एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनने के दौरान उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसके अलावा बत्ताखोरी, गैंग रेप समेत इस पर 18 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। गुज़िश्ता शब एक पुलिस मुकाबला हुआ और पुलिस मुकाबले के दौरान डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने इसे मार गिराया और इससे असला भी बरामद किया। कुछ देर पहले नबीबख्श पुलिस स्टेशन की हदूद में कराची का इस वक्त सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ है। इस पुलिस मुकाबले के नतीजे में लियारी गैंग वॉर के जानशीन सरबान बलोच को पुलिस ने दो तरफा फायरिंग के शदीद तबादले में हलाक कर दिया है। ये रहमान डकैत का जानशीन था। सरबान
जो कि लियारी में खौफ की अलामत बना हुआ था। मुसलसल कत्लो गारत गिरी, चंद रोज पहले मुखालिफीन पर हमले में एक शख्स को हलाक और तीन को जख्मी किया गया था। मुसलसल सारबान लियारी में सर उठा रखा था, कानून नाफिज करने वाले इदारों की रेट को भी चैलेंज कर रखा था। पुलिस ने टेक्निकल बेस बुनियादों पर कार्रवाई की है। नबी बख्श पुलिस स्टेशन की हदूद में दो तरफा फायरिंग का शदीद तबादला हुआ है। इस तबादले के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने रहमान डकैत के जानशीन सारबान बलोच को हलाक कर दिया है, जिसकी लाश आप मेरे अकाउंट पे आप देख सकते होंगे। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है सिविल अस्पताल। अब से कुछ देर पहले सारबान की लाश यहाँ लाई गई है। सारबान की लाश को जब्त की कार्रवाई के बाद जो है वो सदखाने मुंतकिल किया जाएगा। जो अब तक की इतलात है, रहमान के जानशीन सारबान हलाक के हमरा, उसका एक साथी भी शदीद जख्मी हुआ है, जिसे सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सिविल अस्पताल से आपको रिपोर्ट कर रहा था। सरबान की मौत से लियारी में कुछ दिनों तो अमन आएगा, लेकिन जो लियारी है वो एक गैंग वॉर का गढ़ है और यहाँ पर हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई करेक्टर सामने आता है। तो अब उम्मीद ही की जा सकती है कि कुछ बेहतरी आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको क्राइम स्टोरी से दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।